पाकिस्तान में होने वाले आम चुनावों में आतंकी हाफिज सईद की पार्टी ने 250 से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आतंकी हाफिज सईद अल्लाह अकबर तहरीक नाम की पार्टी से अपने 265 उम्मीदवारों को पाकिस्तान के आम चुनाव में उतारने जा रहा है। उम्मीदवारों की इस लिस्ट में हाफिज का बेटा तलहा सईद और दामाद भी शामिल है। इससे पहले हाफिज ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब आतंकी संगठन जमात-उद-दावा अपने उम्मीदवारों को अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी के बैनर से चुनाव लड़वाने जा रहा है। पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 को आम चुनाव होने हैं।